ଚୀନର ବନ୍ଧୁ ପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଫସିଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଇଜୋ। ଭାରତଠୁ ଝଟକା ପରେ ଧରିଲେ ଚୀନର ପାଦ। ନିଜ ଦେଶରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାରତର ଅପମାନ କରି ମାଳଦ୍ୱୀପର ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସରମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝି ସାରିଲାଣି ମାଳଦ୍ୱୀପ। ହୋଇପାରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଏ ତିନି ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନର ଇସାରାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପଦ ତ ଭାରତର ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ମାଳଦ୍ୱୀପର ଏ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବି ଭାରତରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ, କାରଣ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭୁଲ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଠାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରା ରଦ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟୁରେଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇଜି ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ବୁକିଂ ହିଁ ନେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 15,000 ଭାରତୀୟ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଟୁରିଜମ୍ ମେ ହେ उनको कितनी निराशा होगी कि अगर भारत से लोग 2,00,000 लोग 10% जो वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं हर साल, उनमें से एक बटा 10 भारत से होते हैं, और भारत से जाने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही थी, अगर वो संख्या घटने लगती है तो उनके अपने अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को चरमराहट पहुँचेगी, क्योंकि वो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज़म पर आधारित है। तो ऐसे लोगों को भारत के समर्थन में बोलना होगा, और क्योंकि उनका अपना हित इसी से बधा हुआ है। अब यह सीधा सड़क प्रभाव से पर्यटन शिल्प और अर्थनीति ऊपर बढ़िबा आरंभ करिछि। एथिपई मालदीप सरकार को ऊपर बढ़िबारे लागिछि असंतोष और चाप। मालदीप रो टूर एंड ट्रैवल्स एसोसिएशन मटाटो पीएम मोदी को ऊपर आपत्तिजनक मंतव्य पई भारत को क्षमा मागिछि और भारत सह संपर्क में सुधार आणवाकू मालदीप सरकार को कहिछि। सेपटे पीएम मोदी और भारत विरोध में अपमान सूचक बयान देखा मालदीप तीन मंत्री को बहिष्कार करने को दावी करठाकार सांसद अली अजीम। आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज नॉट सफिशिएंट। आई थिंक दैट इट रिक्वायर्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट इश्यूज अ फॉर्मल अपोलॉजी एज वेल एज इमीडिएटली टर्मिनेट द सेड डेप्यूटी मिनिस्टर्स इन क्वेश्चन। आई थिंक सस्पेंशन इज नॉट the right way to go about it, and I think we have had a very strong and valuable relationship with India. गोटे पटे भारत को नै निज देश रे चक्रव्यूहरे फसि छंती मालदीप राष्ट्रपति मुइजो, अन्य पटे चीन गस्तरे थिबा मुइजो संकट रु उद्धार करबा को चीन रो शरण फसि छंती। चीन को सबुठारु विश्वस्त सहयोगी कहबा सह मालदीप को अधिक संख्या रे पर्यटक पठाइबा को निवेदन करि छंती। तेबे चीन भी खोला खोली भारत विरोध रे जिबारु दूरै रहिछि। ଡ୍ରାଗନ୍ କହିଛି, ଆମ ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ମାନ କରୁ। ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମାଳଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ଆଉ ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଚୀନ। ଅଗର ଭାରତ ସେ ରିଶ୍ତୋଙ୍କୁ ନୁକସାନ ପହଞ୍ଚାଏ ଉନକେ ଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନେ, ତୋ ଅବ ତୋ ମାଳଦ୍ୱୀପ କି ମଜବୁରୀ ହୋ ଗଈ କି ଚାଇନା ଜୋ ବୋଲେ ଉସେ କରନା ପଡ଼େଗା। ତୋ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଜୋ ଅପନେ ଲିଏ ନେଗୋସିଏଟ କର ସକତା ଥା ବେଟର ଟର୍ମସ ଫ୍ରମ ଚାଇନା, अब वो नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि चाइना बोलेगा, भाई जा तू कहाँ जाएगा, तो इंडिया से तुम्हारे तो कोई रिश्ते है ही नहीं, अब मैं जो करूँ मेरी बात मानो। तो मालदीव्स ने अपनी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस खो दी है इस एपिसोड द्वारा। चीन ठारु सेपरी सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलबारु पुणी भारत पाखरे शरण पशिछि मालदीप। सूचना अनुसार मालदीप राष्ट्रपति मुइजो चीन गस्तरु फेरबा परे चलित मास ही भारत आसिबाकु प्रस्ताव दैछन्ति। या भितरे भारत को मनाइबा को सफेई परे सफेई देउछंती मालदीप सरकार। सेठाकर विदेश मंत्री मुसा जमीर कहिछंती, तीन जन मंत्री को आमर निकटतम सहयोगी और विदेशी नेतांक विरोध रे बयान को केबे भी ग्रहण करा जीवो नाही। एहा मालदीप सरकार को बयान नहे, आमे आम सहयोगी को सह सकारात्मक और मजबूत संपर्क चाहू, खास करी निजो पड़ोसी को सह। मालदीप सरकार को पक्षरु शनिवार भी एमिति सफेई दिया जायथिला। एबे विदेश मंत्रालय भी बयान देछि, किंतु कहा जाए ଧନୁରୁ ବାହାରିଥିବା ତୀର କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାଳଦ୍ୱୀପର ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି କାଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।